कॉन्शियसनेस में? एक दृष्टि से देखा जाए तो बता सकते हैं पूर्ण ज्ञान में स्थिर है, पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। और पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है यानी परम सत्य क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, ये सब जानना और उनके परस्पर संबंध को जानना और संबंध के आधार पर कार्य कैसे करना है ये भी जानना है कि नहीं। पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है? बड़ा बिजनेस कैसे चलता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, या IIT JEE का एग्जाम कैसे क्रैक करना वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो पार्शियल ज्ञान है। लेकिन पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है, और इन दो इन सब चीजों के आपस में क्या संबंध है और मुझे क्या करना है पहले ये जानना। ये सब जान के ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही जस्ट टाइम पास के लिए, बल्कि मुझे क्या करना है ये जानना। ओके, तो ये सब चीज़ें जब समझ जाते हैं, ये सब चीज़ें जब जान जाते हैं तो उसका क्या रियलाइजेशन होता है कि ईश्वर कृष्ण है, मैं उनका नित्य दास हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा उनका अंश है, प्रकृति उनकी शक्ति है, काल भी उनका एक रूप है और कर्म जो है वो बंधन है उनके लिए जो भगवान के भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, भगवान को भूल चुके हैं उनके। इनमें से चार परमानेंट है और एक टेम्पररी है। कौन सा टेम्पररी? कर्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत है, परमानेंट है। तो ये जो समझ जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ, यानी जिनकी बुद्धि पूरी पूरी रूप से इस ज्ञान में स्थित है, जिनका ज्ञान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है फॉर एग्जांपल समझ गया है कि सिगरेट पीना खराब है पर फिर भी सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, उसकी ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, उनका उनका ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि सिर्फ किताब में मैंने पढ़ लिया, ज्ञान का मतलब होता है उसका रियलाइजेशन। कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति रियलाइज कर चुका है तो फिर वो कभी दोबारा नहीं करेगा, कि अगर कोई चीज रियलाइज कर चुका कि ये चीज गलत है फिर कभी नहीं करेगा। अगर वो बोल रहा है कि ये गलत है फिर भी कर रहा है, इसका मतलब रियलाइज नहीं कर चुका है, रियलाइज नहीं किया। रियलाइजेशन का मतलब होता है जो एक्शन में बदलता है, जो एक्शन में दिखता है तभी रियलाइजेशन है, जो एक्शन में नहीं दिखता है वो रियलाइजेशन नहीं कह सकता। समझ गया ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, दासों का दास हूं, ये एक चीज है, लेकिन हम कार्य कर रहे हैं कैसे? दास जैसे हैं, एंजॉयर जैसे, इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ बोल रहे हैं बट एक्चुअली उसके रियलाइजेशन हमें, मान लीजिए एक तरफ हम बोल रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति अच्छा नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा नहीं है, बट लेकिन दूसरी तरफ उसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव नो रियलाइजेशन, राइट। अगर कोई कह रहा है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए 4 बजे पर नहीं उठता, 7 बजे उठता है, इसका मतलब क्या है? रियलाइजेशन नहीं। अगर कोई कह रहा है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, जो भी है भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाना चाहिए,
रूरी भगर के बाहर का खाना खाना चाहते, इसका मतलब क्या है कि उसका क्या डेंजर है वो रियलाइज नहीं कर चुका है। रियलाइज का मतलब क्या होता है, उसका पूर्ण रूप से उसका अनुभव और समझ कि वो करने से क्या डेंजर है। राइट, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है एग्जाम के लिए, बोले पढ़ाई बहुत अच्छा करना चाहिए, सब बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है, वो भी समझ रहा है, पर उतना सीरियस नहीं किया पढ़ाई और एग्जाम में फेल हो गया और घर वाले घर से निकाल दिए और बोला अब जहाँ रहना रहो, जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं, और पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, घर वाले घर से निकाल दिए, सब गाली दे रहे हैं, 1 साल पीछे चला गया, बहुत डिप्रेस्ड है। और इस बार पता नहीं किसी न किसी तरीके से उसको एक और चांस मिला पढ़ने के लिए, अब कैसे पढ़ाई करेगा। तो जो भी पिछले साल वो बोल रहा था वो रियलाइज नहीं किया, अब रियलाइज किया है, रिलेस किया है। अब पहले भी जानता था, अभी भी जानता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? रिलेस का मतलब वैसे नॉलेज जो आपको मतलब काम में आएगा, मतलब जो एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, एक्शन में दिखेगा। आप फिर वो रिलेस करने के बाद फिर गलती कर ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं रिलेस करना, समझ गया ना। हाँ, जैसे बाइक बहुत फास्ट नहीं चलाओ, ये नॉलेज है, करते हैं, लेकिन बोला एक बार ऐसा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, फिर मुश्किल से निकला बाहर जिंदा, फिर वो फास्ट चलाएगा। तो तब वो रियलाइजेशन में आया, पर चेंज मतलब, लेकिन वो रियलाइज करने के लिए दो प्रकार के, एक तो जो ऐसा बहुत बड़ा धक्का खा के फिर रियलाइज करे, फिर वो कभी याद भी आएगा मन में तो भी हाथ जोड़ ले नहीं अब नहीं करना जिंदगी में, वो एक तरह है, वो एक तरीका है रियलाइज करने का। और एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है रिलीज करने का? सुन के समझ के, इंटेलिजेंट है। जैसे शास्त्रों में बताया, हाँ, स्त्री संग जो है, हाँ, योषिताम संग संगम तमो द्वारम योषिताम संग संगम, वो नाश का कारण है। कोई जो है बोलते, हाँ सही बात है, ये सब सही है प्रभु जी, हाँ, लेकिन मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और उनसे शादी तो करना ही करना है, तो ठीक है करो, करेगा 2-3 साल बहुत मौज मस्ती करेगा, फिर चंद्रमुखी धीरे धीरे सूर्यमुखी बन जाएगी और फिर आगे ज्वालामुखी बन जाएगी और फिर 40-50-50 साल की उम्र में बोलेगा, प्रभु जी आपने जो कहा ना सही सब रिलेस रिलेस किया था और दूसरा क्या है, सुन के समझ लिया फिर घे ही नहीं करी, लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रहेगा। वो क्या है? फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट, फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट। हाँ, जो करके समझेगा वो थर्ड क्लास रिलेस करेगा, जो करे बिना ही सुन के ही रिलेस कर लिया, सुन के या देख के रिलेस कर लिया। ऐसा नहीं कि चोरी करके पकड़ा जाए, जेल में जाए, तब जाके समझें कि चोरी करना खरा। तो रिलेस चाहे आप सुन के करो या देख के करो या एक्सपीरियंस करके करो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। प्रभुपाद बोलते हैं, फर्स्ट क्लास सुन के जो समझता है, सेकंड क्लास जो देख के समझता है, थर्ड क्लास खुद एक्सपीरियंस करके समझता है।
जैसे भी हो रिलीज तो करना पड़ेगा, और जो पूरी तरह से रिलीज कर चुका है आत्म साक्षात्कार को, यानी मैं कृष्ण का दास 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 हूं और यही जीवन का लक्ष्य है, इस बात की जिसकी पूरी रियलाइजेशन है, और इस बात की भी रियलाइजेशन है कि मटेरियल डिजायर से कोई सुखी नहीं रह सकता, इसलिए कोई मटेरियल डिजायर रखना ही नहीं है। जो ये रिलीज कर चुके दो बातों को वो है स्थित प्रज्ञा। यहाँ भगवान बता प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामान सर्वान मनोगतान, मन से आए हुए सारी इच्छाओं को जो पूरी तरह से जीत चुका है, और आत्मनियव आत्मना तुष्ट, यानी जो खुद में ही संतुष्ट, खुद में संतुष्ट है मतलब मैं कृष्ण का दास हूं इतना समझने में मैं खुश हूं, जरूरत नहीं कि मुझे मेरे पास एक मर्सिडीज गाड़ी हो, इवन टोयोटा भी हो या मारुति भी। सो मैं कृष्ण का दास हूं यह समझने में संतुष्ट, मतलब कृष्ण जो दे, कृष्ण मुझे मर्सिडीज दे तो कोई बात नहीं, कृष्ण मुझे सिर्फ साइकिल दे तो भी कोई बात नहीं, कृष्ण मुझे बहुत हाईली सक्सेसफुल बना दे तो भी उनकी सेवा, कृष्ण मुझे सिर्फ इतना सा सक्सेस दे कोई बात, बिजली का तार ये नहीं कहता कि मेरे अंदर क्या बोलते हैं उसको इतना करंट आना चाहिए, करंट बहुत ज्यादा उसके अंदर आएगा तो भी कंडक्ट करेगा, नहीं भी आएगा तो भी पड़ा रहेगा। तो डिवोटी ऐसा है, भगवान हमारे द्वारा चाहे तो हमको यूज करके पूरा दुनिया को बदल सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी को यूज किया, या जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, दोनों ठीक है। सो ये है, ये स्थिति प्रज्ञा, उनको हाई सक्सेस मिले या फेलियर मिले, फिर वो आगे बताने वाला है, उसके आगे आगे के सिम्टम्स नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। दुखेश्वर उद्विग्न मना सुखेश विगत स्पृह वितराग अभय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, बहुत बड़े से बड़े दुख में भी कोई बात, कृष्ण की इच्छा, और सुखेश विगत स्पृह बहुत अच्छा, हाई सक्सेस हाई प्रेज, कृष्ण की इच्छा कोई बात, वीतराग भय क्रोध, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, इन सब चीजों से मुक्त, वीत मतलब मुक्त, जो आसक्ति से भी, आसक्ति भी नहीं है, डर भी नहीं है और गुस्सा भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने शिष्यों को डांट नहीं सकता होगा फल। वो तो सुधारने के लिए, बट तो जो ऐसा है वो स्थित प्रज्ञ है ना, स्थित प्रज्ञ का मतलब यही होता है कि जिसका बुद्धि स्थिर है, बहुत सुख हो बहुत दुख हो, बहुत कोई प्रेस करे वो आप तो महान हो, आप तो ये हो, आप तो वो, या कोई ऐसा गंदी गालियां दे उसको डूब के मर जा आप तो, तो भी नॉट डिस्टर्ब्ड, डर डर नहीं, क्रोध नहीं, क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्रोध जनरली फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, राग मतलब आ सकती, सो ये फिर आगे बता रहे हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्रापि सुभाषुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शुभ और अशुभ जब आते हैं
प्रभु आपको आईआईटी बॉम्बे मिल गया, आईआईटी बॉम्बे में बेस्ट कंप्यूटर साइंस, आईआईटी जेई में आपको टॉप, इंडिया में टॉप 10 में आपका रैंक है। अब बोले आप सोचेंगे क्या, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मिठाई बाटेंगे। आपको तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, आईआईटी नेटिव भी नहीं मिला, वो तो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं। राजू प्रभु को एम्स मिल गया, एम्स दिल्ली। हाँ फिर वो नाचेगा 2 दिन 6 महीने तो नाचेगा से। या अगर बोले भैया आपको डोनेशन देके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है। क्यों राजू प्रभु? हाँ अरे तो अच्छा हुआ तो बहुत खुश नहीं हो जाएगा, और बुरा हुआ तो द्वेष नहीं करेगा। ये स्थिति तो प्रकृति, क्यों क्यों नहीं करेगा, ये भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट करेगा जैसा भी है। उनके अलग से कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए तो इसलिए जो वो तो धीरे धीरे आएगा वो स्तर। अभी क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनिशियली कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, पर जैसे उनकी भक्ति बढ़ेगी क्या ना, वो इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब फिर भी होगा, लेकिन वो मन मन को कंट्रोल कर लेगा, वो अपने आप को समझा देगा कि देखो हम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, भगवान की इच्छा है, भगवान को लगा कि हम को यही देना है, ठीक है जो भी कारण से इट्स ओके, आई एम हैप्पी, नो प्रॉब्लम। ऐसा अपना बुद्धि से अपने मन को समझाएगा, और जब कोई ऐसी स्थिति आती है कठिन स्थिति, उस कठिन स्थिति में मन तो विचलित होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि उनको बुरा नहीं दुख नहीं लगेगा, बुरा तो लगेगा, लेकिन जब मन विचलित होती है तो फिर बुद्धि से के माध्यम से उनको समझाएगा मन को। ये गलती जूनियर डिवोटी भी कर सकता है और सीनियर डिवोटी भी कर सकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ऐसा नहीं कि सीनियर डिवोटी से गलती नहीं होती, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सीनियर डिवोटी जब गलती करता है तो फिर वो अपने मन को समझाता है और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेता है ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। उसके लिए बहुत कठिन निर्णय लेता है, और जूनियर ड्यूटी करता है और करते ही रहता है और कोई उनको खेद नहीं होती है, इतना ही खेद होता है, बोलते प्रभु जी सॉरी, फिर अगले दिन वही किया, फिर आए, फिर 2 दिन बाद फिर प्रभु जी सॉरी, फिर वो चलते रहते हैं, तो ज्यादा एक्चुअली खेद नहीं है उनको। पर सीनियर डिवोटी जब गलती करता है वो किसी को बताते नहीं सॉरी, हो सकता है बताए सॉरी, बट उससे ज्यादा वो किसी को बताए बिना अंदर वो सोचता है मुझे क्या करना, और उसके लिए कठिन निर्णय लेता है जो बात दूसरों को लेना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करता है, बहुत बड़ी ऐसा कोई स्टेप्स लेते हैं जो बहुत कठिन है।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छोटे थे, उनके पिताजी कौन है? भक्तिनाथ ठाकुर। क्या लाए? आमला। और एक बार वो भोग लगाए बिना ऐसे ही खा लिए, तो भक्तिता जी ने कहा भगवान को भोग नहीं लगाया अपना खा लिया, तो उनके इतना खेद लगा जिंदगी भर आम नहीं खाए थे गुरु बनने के बाद। बहुत सारे शिष्यों ने आम दिए कभी नहीं खाते। तो ये कि उसी प्रकार से जब गलती करते हैं तो उसके लिए स्टेज स्ट्रांग स्टेप लेते हैं, ऐसा कोई स्टेप्स लेते हैं मनमानी से नहीं, ये सुनकर फिर आप लोग कुछ स्ट्रांग स्टेप्स मत ले लेते हैं फिर वो करेक्ट करने के लिए फिर और मेहनत करना पड़ेगा। स्ट्रांग स्टेप्स कंसल्ट करके, गुरु को कंसल्ट कर लेना, काउंसलर से सीनियर लेवल से बात करके क्या मैं स्टेप लूँ ये सही रहेगा, फिर वो स्टेप्स लेना, फिर क्या होगा, फिर जो भी आप करते हैं वो उसमें ब्लेसिंग्स रहेंगे। विदाउट ब्लेसिंग्स हम इवन भक्ति भी करेंगे तो भी भगवान खुश नहीं होंगे। विदाउट ऑथराइजेशन आपने किसी को बोले बिना आपने सोच लिया आज मैं 108 माला करूँगा, 108 माला करके भी भगवान को खुश नहीं कर पाओगे। पर आप पूछोगे ड्यूटी से प्रभु जी हम कितने माला करें आज, आप बताइए, तो बताएंगे माला करना जरूरी है लेकिन पढ़ाई भी करना जरूरी है, तो इसलिए आप एक काम करो पढ़ाई करो और आज एकादशी है तो 25 माला कर लो और बाकी टाइम पढ़ाई कर लो, तो उसमें ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिले वो करने, ना कि बिना पूछे आप बस दिन रात माला करोगे और अगले 3 दिन तो उससे अच्छा ये तो सीनियर ड्यूट और जूनियर ड्यूट में अंतर ये है कि वो उनके रियलाइजेशन ज्यादा है। हम भी कहते हैं कि हम कृष्णदास हैं, भक्ति करना इंद्रिय तृप्ति नहीं करना, और सीनियर ड्यूटी भी कहते हैं, लेकिन क्या उनकी रियलाइजेशन ज्यादा है, और कभी उनसे गलती हो जाती है तो फिर उसको बहुत सीरियस लेते हैं, उसके लिए डीपली सोचते हैं मुझे क्या करना है ताकि वो रिपीट ना हो, ताकि वैसी टेंडेंसी मेरे अंदर ना आए। राइट तो जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ती है आपकी बुद्धि स्थिर होती रहेगी, बुद्धि और स्ट्रांग होती रहेगी, और मन और ज्यादा कंट्रोल में आता रहेगा, इंद्रियां और ज्यादा कंट्रोल में आते रहेंगे, जो जितना एडवांस्ड है उनकी इंद्रियां और मन उतने कंट्रोल में। कोई भी थॉट, कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी डिसीजन बहुत डीपली सोच के लेते हैं, वो भी साधु शास्त्र गुरु प्रमाण के आधार पर बहुत सोच विचार करके, ऐसे नहीं कुछ भी मन में आ गया तो मुंह में बोल दिया और फिर बाद में बोल दिया सॉरी। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने बुद्धि को स्ट्रांग, तो इसके लिए क्या करना, धीरे धीरे जितना आपको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, हर चीज में भगवान के हाथ देखोगे, हर चीज में भगवान के साथ कांटेक्ट आपका बढ़ जाएगा, भगवान के साथ कांटेक्ट और बढ़ेगा। आपको अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा पढ़ाई एक अलग चीज है और भक्ति एक अलग चीज है, हमारा नौकरी एक अलग चीज है भक्ति एक अलग चीज है, हमारा शादी एक अलग चीज है भक्ति अलग चीज है, फैमिली अलग है भक्ति अलग है ना, भक्ति एक चीज है बस, उसके अलावा मेरा फैमिली है, उसके अलावा मेरा पढ़ाई है, उसके अलावा जॉब है, उसके अलावा ये है। बट जैसे आप एडवांस करेंगे तो क्या होगा, ये सारे चीजों को भगवान से अलग नहीं देखेंगे, पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों, भगवान की सेवा करने के लिए, फैमिली की सेवा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि उसके माध्यम से भगवान की सेवा होगी,
शादी करना है तो भी, ताकि अच्छे से भक्ति में एडवांस कर सके, पैसे कमाना है तो भी, अल्टीमेटली भगवान की सेवा के लिए। और जब इस तरह से हर चीज को भगवान के साथ कनेक्ट हो जाए, कृष्ण के साथ कनेक्ट हो जाए, जीवन में जो ऐसा हुआ अच्छा हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, मुझे जो पसंद नहीं है वो हुआ, खराब हुआ मतलब, खराब मतलब जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए खराब क्या होता है, सब अच्छा ही होता है भगवान जो देते हैं, लेकिन जिसको हम खराब समझते हैं वो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। हर चीज जो घटना हमारे जीवन में होती है, जो भी हमको करना है, वो सारे चीजों को भगवान के साथ जोड़ के जब देखेंगे तो वो है प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। हम ये नहीं देखेंगे कि पढ़ाई अलग है भक्ति अलग है, वो भी भक्ति का हिस्सा है। अच्छा होता है भगवान की कृपा से होता है, और जो बुरा होता है जो अपने कर्म के हिसाब से आता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, भालो मंदो सब मनोधर्म। ये अच्छा हुआ और ये खराब हुआ, क्या अच्छा क्या खराब, जो आप अच्छा समझ रहे हो सकता है वो कि वही खराब हो, जो खराब समझ रहे हो सकता है वही अच्छा हो। तो इस तरह से हर चीज को जब आप भगवान से जोड़कर देखने लगोगे, जैसे आप भक्ति में एडवांस करोगे ना, हर चीज को भगवान से जोड़ कर देखने देखने लगोगे, तो हर स्थिति में आप भगवान को याद करोगे। 24 घंटे भगवान को याद करना का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप कृष्ण को देखते रहो, देखो वहां बेटा है बांसुरी बजा रहा है, वो देखो कर्टन के पीछे हंस रहा है, ऐसा नहीं, वो देखो वहां झूला झूल रहा था, अभी तक झूला झूल रहा था, कहाँ चला गया, मुझे कृष्ण दिखते हैं प्रभु जी, 24 घंटे कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं 24 घंटे कृष्ण दिखते हैं, अभी देखो अभी यहाँ से गुजरा, अभी यहाँ से आया, देखो वहां वहां से देख रहा है, वो पेड़ के नहीं और पेड़ के पीछे बैठा है हंस रहा है। 24 घंटे कृष्ण को देखने का मतलब ये नहीं है, 24 घंटे कृष्ण को देखने का मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है जीवन में, जो भी करना है, हर चीज को भगवान से जोड़ के देखना, ये है 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस मतलब। ऐसा नहीं कि अर्जुन तीर चलाते चलाते रासलीला देख रहा ऐसा नहीं अर्जुन तीर चला रहा है ये सोच रहा है कि ये तीर चला रहा हूं ताकि कृष्ण की इच्छा के अनुसार धर्म का स्थापना हो, ये है कृष्ण से जोड़ करना मतलब। हर चीज को कृष्ण से जोड़ना सीखते हैं, एडवांस डिवोटी है वो क्या करते हैं, हर चीज को कृष्ण के साथ जोड़ के देख पाते हैं, अपना फैमिली, अपना घर, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना पढ़ाई, अपना पैसा, अपना लाइफ, हेल्थ, फ्यूचर, फिटनेस, एवरीथिंग, हेल्थ एंड फिटनेस। इसलिए नहीं कि हेल्थ एंड फिट हो जाऊं ताकि हाँ लड़कियां ऐसे देख के वाह क्या ऐसा सोच सब ऐसे ऐसे देखते ऐसा नहीं, बल्कि ताकि शरीर फिट रहे, ताकि अच्छे से हम सेवा कर सकें। सो एवरीथिंग, हर एक चीज को भगवान से जोड़ के देख पाता है वो स्थितप्रज्ञ है। ऐसा नहीं कि भक्ति एक अलग चीज है, बाकी ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, हाँ एस्पेक्ट्स हैं लेकिन वो सब जुड़े हैं कृष्ण से, कोई चीज अलग नहीं है भगवान से। जो ऐसा देख पाता है, जो भी घटना लाइफ में हुआ या होने वाला है, जो भी किया और करने वाले हैं और कर रहे हैं, हर एक चीज को भगवान से जोड़ के किस चीज से भगवान प्रसन्न होंगे,
क्या करने से भगवान को खुशी मिलेगी, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं इस वक्त, ये सवाल करके हर स्थिर हर समय पर सोचता है। यह स्थिति पर मैं कैसे पढ़ाई करूं तो भगवान खुश होंगे, कैसे नौकरी करूं तो भगवान खुश होंगे, कैसे फैमिली के साथ डील करूं तो भगवान खुश होंगे, कैसे अर्न करूं पैसे तो भगवान खुश होंगे। ऐसे देखना हर चीज को जोड़ के, तो जब हर चीज को जोड़ के देख पाता हो तो दुख ही क्या, जो दिया भगवान ने दिया, जो हुआ भगवान की इच्छा से अनुग्रह से जो हुआ ठीक है, भगवान ने 10 करोड़ दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात, भगवान की इच्छा मेरी नहीं है, भगवान की, भगवान ने सिर्फ 10 रुपए ही दिया ठीक है, भगवान ने इतना ही दिया कोई दिया। भगवान ने सक्सेस बनाया ठीक है, फेलियर बने कोई बात नहीं, पर मैं क्या कर रहा हूं भगवान के लिए, सवाल ये है, वो हमारे हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ हो रहा है होने दो, बस हमको कुछ नहीं करना है, बस कंबल ओढ़ के मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूं, ये सवाल। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, इफ समवन इज एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट्स ऑफ अ बैड हैबिट अगेन एंड अगेन एंड स्टिल इफ ही इज नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज बैड हैबिट एंड इवन ही इज हियरिंग एंड रीडिंग एंड ही इवन नोज दैट दैट हैबिट इज वेरी बैड बट स्टिल ही इज नॉट रियलाइजिंग एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन फॉर इट, सो व्हाट ही हैव टू डू, व्हाट ही शुड डू, what he should do or what others should do, no, what he have to do for quitting that habit, for getting rid of that habit. Okay, it's a good question. You want me to answer in English or Hindi? Hindi. का question ये है कि किसी को bad habit है, छोड़ नहीं पा रहा है और छोड़ना चाहता भी नहीं है, ऐसा ना? नहीं, सुनना चाहता, उसको पता है कि गलत है और वो सुन भी रहा है कि गलत है, बट बार बार कर देता है, लेकिन उसको रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा कि गलत है, बट उसको पता है गलत है, इतना पता है, तो भी नहीं छोड़ पा रहा। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना पड़ेगा। हाँ, लातों का भूत हमारा मन भी ऐसा है, आप उसको चांस देते रहोगे तो करता रहेगा। हाँ, करता रहेगा, हाँ बोलते रहेंगे हम सॉरी, फिर करते रहेंगे भाई, लेकिन लात मारना पड़ेगा किसको, उस व्यक्ति को ना, नहीं मन को, मन को लात मारना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा, स्ट्रांग स्टेप लेना। स्ट्रॉन्ग स्टेप का मतलब कुछ ऐसे डिसीजन लेना बड़े कठिन, कठिन स्टेप लो, कुछ कठिन पनिशमेंट लो खुद पे और कुछ कठिन एक्शन लो, कुछ उससे भी कठिन क्या है, कुछ बड़ा सैक्रिफाइस करो, बड़ी सैक्रिफाइस करो, कुछ बड़ी चेंज लाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसको मोबाइल इंटरनेट से दिक्कत है, इंटरनेट जब रहता है तो गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, वो हैबिट है, तो फिर वो हैबिट छुट ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, आप यूज ही मत करो कोई स्मार्टफोन इंटरनेट वगैरह यूज ही नहीं करना। तो फिर वो जब छोड़ा, और जब जरूरत पड़ेगा इंटरनेट का भी जरूरत पड़ता है तो क्या करें, तो तब कोई लाइब्रेरी में या कोई ऐसी जगह में जाके यूज करें,
तो फिर क्या हुआ, ऐसा कोई स्ट्रांग डिसीजन लिया ना, तो उसने बड़ा स्मार्टफोन है वो किसी को दे दिया और एक छोटा सा फोन रखा। जैसे पुणे टेम्पल में बहुत सारे ब्रह्मचारी सब ऐसे यूज फोन यूज करते हैं, सो दैट कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई माया नहीं, माया से दूर है। लेकिन नेट भी यूज करते हैं, मतलब जैसे मेल वगैरह करना या बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसके लिए वो एक पर्टिकुलर जगह रहता है, पर्टिकुलर स्थान रहता है जहाँ वो जाके यूज करते हैं। एक्चुअली सारे क्रिएटिविटी आपका माइंड में रहता है, और मोबाइल क्या करता है, आपका क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है, क्योंकि जब जितनी देर आपको मोबाइल सामने रहता है ना, तो आपको आइडियाज़ नहीं आ सकते। आइडियाज़ वो देता है, यू कैन नॉट हैव आइडियाज़ ऑफ योर ओन, पर आप 1 घंटा मोबाइल दूर रख के सोचो, फिर आपको आइडियाज़ आते हैं, ये करना, अच्छा ये करना, वो करना, वो करना, ये पता करना, वो पता करना, अच्छा आपको 10 चीज़ें पता करनी है, तो जो 1 घंटा आप यूज़ करोगे नेट, तो उस 1 घंटे में ये 10 चीज़ें कर लोगे। बट अगर ये 24 घंटे रहेगा, वो 10 चीज़ों में एक एक, एक दो चीज़ें कर पाओगे, बाकी 8 चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि आपका दिमाग कार्य काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये जब काम करता है तो इसको काम करना बंद कर देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेट यूज़ नहीं करना, बट उसको लिमिट में यूज़ करना। उसी प्रकार से किसी को अगर किसी लड़की का है के प्रति अट्रैक्शन है जो सही नहीं है, तो उनसे दूर रहना चाहिए, उनको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि उनके पास ही नहीं जाऊँगा मैं, या कोई भी चीज़। अगर आपको मान लीजिए सिगरेट या ऐसा कोई बैड हैबिट है नशा करने का, और नशा वही भी नशा करने के लिए क्या चाहिए, पैसे तो चाहिए ना, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, पैसे रखो ही मत अपने पास, पैसे किसी और के पास रखो, और जब ज़रूरत है आप उनसे पे कराओ, और ऐसे व्यक्ति के पास रखो जो जानता है कि आप किसके लिए खर्च कर रहे हो। तो ये सब अगर आप सोचेंगे तो तरीका निकलेगा उसके लिए, सोच के डिस्कस करेंगे, सजेशन लेंगे तो तरीका निकलेगा। अपने पास पैसा रखो तो कैसे भी खर्च कर सकते हो, चाहे बैंक में भी आजकल पेटीएम गूगल पे सब होता है, तो अपने पास रखो ही नहीं, किसी और के पास रखो, और उनको बताओ ये पर्पज़ है, आप उनको बताओ कि जब तक मैं आपको पर्पज़ और सब नहीं बताऊंगा तब तक आप पे नहीं करना, मैं बोलूंगा तो भी, तो फिर आप वहाँ जाके जो भी पर्पज़ है वो ये आज चावल खरीदना बताओ, वहाँ दे दो, फिर उनको जब पता चला कि चावल नहीं खरीदा कुछ और खरीदा तो फिर वो आपको डांटेगा, भाई आप अगली बार नहीं करूँगा, अगली बार दिखाओ फोटो खींच के दिखाओ क्या खरीदा। सो पॉइंट ये है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, किसी को ऐसा नशे का आदत है तो ऐसा कुछ कर स्टेप्स ले सकते हैं, किसी को कुछ और हैबिट है तो उसके लिए ऐसा कुछ ऐसे स्ट्रांग स्टेप्स लेना पड़ेगा आपको लाइफ में, कुछ चेंज लाना पड़ेगा। जैसे आप वैसे फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो वैसे चीज करो, उससे उसके संगति बदलो, ये सबसे मेन चेंज है। भक्तों के संग में आओगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें हो नहीं सकती, राइट? तो भक्तों के संग में रहना, बुरे स्थितियों से, बुरे चीजों से, बुरे मतलब फैसिलिटीज से दूर रहना। जब फैसिलिटी रहेगा तभी ना करोगे, फैसिलिटी नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? सॉरी मैं खुला बोल रहा हूँ, किसी को मास्टरबेशन का हैबिट है, मास्टरबेशन, तो कैसे उसको बदलें, कैसे उसको छोड़ें? सिंपल, जिस जहाँ बहुत सारे डिवोटी सो रहे हैं वहाँ वहीं पे सोना, एक स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है, जल्दी सोना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना, टाइम पे जल्दी सो जाएंगे, और दिन में नहीं सोना,
दिन में सोगा तो रात को कहना लेटने के बहुत देर बाद नींद आएगी, तब तक सारे बेकार थॉट्स चलते रहेंगे, तो इतने थक जाएंगे लेटे बस तुरंत फ्लैट। और तीसरा, सोते समय कुछ सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ो या कुछ लेक्चर सुनो। कोई हाँ, सो हर एक बैड हैबिट का एक सोल्यूशन रहता है। सीनियर डिवोटी से डिस्कस करो कि और कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लो। सो देन यू विल गेट द रियलाइजेशन, तब आप उसको कंट्रोल कर सकते। अकेले नहीं लड़ सकते माया के साथ, डिवोटीज को साथ, डिवोटीज के संग में ही लड़ सकते हैं। अब अकेले लड़ोगे तो महिषासुर भी फेल है। हम कहाँ, हम कौन से खेत की मूली। इसलिए भक्तों के संग में, सीनियर डिवोटीज के गाइडेंस में हर एक चीज बेझिझक आप जाके बताओ अपने काउंसलर को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बताइए क्या करना है, शर्माओ मत, शर्माए बिना बोलो उनको ये प्रॉब्लम है क्या करना है। मेरे अंदर ये बैड हैबिट है तो प्रॉब्लम है, हाँ, क्या करूँ, क्या उसको कैसे यस। हैंडल करूँ। और फिर उनके हेल्प लेके, उनके गाइडेंस लेके फिर आप करो, डेफिनेटली यू विल हैव सक्सेस। तो उनका जो भी मतलब आगे के कोई इट शुड बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली बताना एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट अपनी बीमारी छुपाएगा, पूरे सिम्टम्स एज इट इज बताना पड़ेगा उनको, तभी उनका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से ठीक है, एंड वेन यू टेक दैट स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, दैट इज अ साइन ऑफ योर सिंसियरिटी। भगवान देखते हैं मेरे लिए आप क्या छोड़ सकते हो, मेरे लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, और मेरे लिए क्या कठिनाई अपना सकते हो, क्या चेंज ला सकते हो। वही तो प्रेम का लक्षण है ना। प्रेम का परीक्षा तब होता है जब जब आप उनके लिए कितना कष्ट ले सकते हो। आप कष्ट नहीं ले सकते, सिर्फ प्रेम करते हैं, बट कष्ट आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं लेंगे, बट प्रेम बहुत करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। उनके लिए आप कितना कठिनाई ले रहे हो, उनके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। ऐसा नहीं सेक्रीफाइस, कठिनाई का मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी कठिनाई, जैसे खाना भी नहीं खाऊंगा और खाऊंगा तो इतना ही खाऊंगा बिना नमक का, फीका दाल खाऊंगा और क्या, सोऊंगा नहीं और अननेसेसरी एकदम दुबले पतले होकर ऐसा ऐसा मीनिंगलेस, वो छोड़ो जो आपका भक्ति में बाधा है। वो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो भक्ति के लिए अगर आप अच्छे से अच्छा प्रसाद खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर यहाँ बेस में पिज्जा पास्ता बनता है खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवर ईट मत करो। ऐसे पिज्जा पास्ता के लिए अगर आप बाहर जाके खाओगे तो वो अच्छा नहीं। इस प्रकार से जो चीज प्रतिकूल है उसको छोड़ो, मतलब डू एवरीथिंग अंडर गाइडेंस, मनमानी से नहीं। कल कोई कोई डिवोटी मुझे बोल रहा था गलती से लहसुन प्याज खा लिया, मतलब घर वालों ने फोर्स कर दिया तो खा लिया, फिर तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरा जिंदगी बेकार है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन वृंदावन में आत्महत्या कर लूंगा, सोच के ट्रेन में बैठ गया वृंदावन जाने। फिर बाद में याद आया काउंसलर से तो पूछूं एक बार। फिर मुझे ट्रेन से उतर के वापस आके फोन किया, मैंने इतने
इतना इतना डांटा उसको, तुमने गलती से प्याज लहसुन खा लिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मनमानी जो कर रहे हो इससे ज्यादा प्रॉब्लम, गलती हुआ सुधरा जा सकता है। जो भी कार्य किया है, तो यू कैन टॉक टू लाइक काउंसलर, राइट? यस काउंसलर ही सजेस्ट यू कैन फॉलो दिस. करेक्ट, ऐसा ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? प्रोबब्ली देन समटाइम देयर इज अ वन पर्सन व्हिच इज स्टेन हियर एंड कैन डिस्कस. सो देन भी उन्होंने पहले बहुत सारे ऐसे गलत कार्य भी किए, जैसे स्मोकिंग भी किए हैं एंड आउटसाइड देन सेक्स भी किए. फिर वापस वो फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ भक्तों का एसोसिएशन भी है, तो अभी भक्ति कर रहे हैं उनको. तो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो यू कैन मैरिड दिस हिज गाइज 25 एज 25 एम बार. सो ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी करना है उसको करना। नहीं, उसके लिए मैं क्या आंसर ही दे सकता हूँ. और वो भक्ति करना चाहता है क्या, सुधरना जैसे चाहता भक्ति ही राउंडेड ओवर करता है, बट है? अच्छा उसके लिए क्या हम लोगों ने सजेस्ट कर सकते हैं हाँ, तो आंसर? आपको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना है भैया, और क्या, टू मेक बिग सैक्रिफाइस, टू बड़े चेंजेस लाना तो लाइफ बट में। उसका माइंड भी इस तरह का सेट है. इज नॉट इज देन ब्रह्मचर्य आश्रम एंड देन नॉट इज देन गृहस्थ आश्रम. तो आश्रम तो अलग बात है, आश्रम कोई भी चलेगा, बट बात बात वो नहीं है, बात यह है कि उनको बुराइयाँ छोड़ना पड़ेगा ना, और उसके लिए भक्तों के संग में आना पड़ेगा, भक्तों के संग में आना और भक्तों के गाइडेंस में चलना। कुछ तो देखो, वो हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल, फिर उनका केस स्टडी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बैड हैबिट है उस, के क्यों होता है, और फिर उसको कैसे है? हर व्यक्ति का एक सोल्यूशन है, एक ही बैड हैबिट भी दो अलग अलग लोगों के लिए है तो दो अलग अलग सोल्यूशन होता है, क्योंकि इनका माइंड अलग है, उनका माइंड अलग है, जो सोल्यूशन इनके लिए काम करते हैं इनके लिए काम नहीं करता। हाँ, एक चीज तो सबके लिए है, भक्तों का संग, वो तो कॉमन है, बट उसके अलावा कुछ और स्टेप्स लेना पड़ेगा जो उस व्यक्ति को समझकर काउंसलर बताता है। उस व्यक्ति को नहीं समझे, मतलब एक जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको भी खांसी सर्दी खांसी, आपको भी सर्दी खांसी है, लेकिन एक दीदी की दवाई नहीं देंगे, ये आपका सर्दी खांसी का रीजन अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, और आपका बॉडी नेचर अलग हो सकता है, इनका बॉडी नेचर अलग हो सकता है, तो इसलिए वो काउंसलर समझेगा कि इसके लिए, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को बैड हैबिट है स्मोकिंग करने का, पर वो स्मोकिंग करने का बैड हैबिट उनको तभी आता है जब उनके बुरे फ्रेंड्स के साथ जाता है, नहीं तो नहीं जाता। पर उनके लिए सिर्फ सॉल्यूशन क्या है, उन लोगों से दूर रहो, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर किसी और को स्मोकिंग हैबिट है, वो फ्रेंड्स की वजह से नहीं, अकेले में, वो जब अकेले में रहता है तो स्मोकिंग करता है, तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, भक्तों के संग में रहो। और वही एक वही स्मोकिंग हैबिट किसी और को इसलिए उनके पास पैसा रहता है तो स्मोकिंग करता है, पैसे मत रखो। तो तीन ही, एक ही प्रॉब्लम तीन लोगों को है, तो तीनों का अलग अलग सोल्यूशन है कि नहीं? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन फर्स्ट एंड व्हाट वर्क्स फॉर हिम। अच्छे से काम कर रहा है, बट कभी कभी वो ऐसा स्मोकिंग तो उनको समझना पड़ेगा, उनको पहले डिटेल में समझना पड़ेगा, और उनको एक्चुअली उनके काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, हम नहीं गाइड कर सकते। देखो, हर व्यक्ति गाइड नहीं करना चाहिए, तो जो उनको काउंसलर है उन्हीं को गाइड करना चाहिए। तो आई हैव टू सजेस्ट. तो मैंने यू टॉक टू योर उनको काउंसलर, तो मैंने यही बताया कि आप जहाँ जिनसे प्रेरित हैं तो यू कैन टॉक टू दिस काउंसलर. ये सही सोल्यूशन देन है। काउंसलर इज सजेस्ट. यस, बिकॉज वो उनका पूरा समझेंगे, नेचर और उनका सिचुएशन सब कुछ, फिर बताएंगे। ठीक है, और तो मेन बात यह है कि हर चीज़ को भगवान के साथ जोड़ना आज का लेसन मेन है। ये मत सोचो हर चीज़, जीवन के अलग अलग हिस्सा भगवान से भिन्न नहीं है, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं हर चीज़ को जोड़ो भगवान के साथ। ये देखो, मेरे बिजनेस कैसे बिजनेस करूँ तो भगवान खुश होंगे, कैसे फैमिली चलाऊँ तो भगवान खुश होंगे, कैसे पढ़ाई करूँ तो भगवान खुश होंगे, कैसे
Everything you connect with Krishna. That is Krishna consciousness. ठीक है, थैंक यू. श्रीमद् भगवद्गीता की श्री प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे.